हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। एंड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ऑफ बैंक पीयू, टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ 2016 से 2020 तक टाइम एंड वर्क पे बेस्ड जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, मैं आपके साथ में सभी डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आ रहे हैं और आप कितने क्वेश्चंस उसमें से कर पा रहे हो। एक थोड़ा सा आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपका टॉपिक कितना प्रिपेयर है, टाइम एंड वर्क का टॉपिक आपका कितना प्रिपेयर है। तो मेरे साथ में क्वेश्चंस को आप साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी अभी हमारा लेवल क्या है, कितनी मुझे और प्रिपरेशन की जरूरत है, ठीक है, कितने हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे करने हैं, कितना मुझे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सभी आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को। जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर एक लेक्चर आपको विद पीडीएफ एंड टेस्ट अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे जो कि पूछा गया था किसमें, IBPS PO 2020 के अंदर। यस, 2020 से 16 तक के सारे क्वेश्चंस में टाइम एंड वर्क के डिस्कस करने वाले हो, तो ध्यान से देखेंगे सभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ओके, ए एंड सी टुगेदर कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। ओके, सभी का कंबाइंड आपके पास में गिवन है। देन इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क, इसको कंप्लीट कितने दिनों में करेगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो आपके पास में क्या गिवन है, ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 डेज में, ठीक है। ए प्लस सी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है आपके पास 15 डेज, एंड बी एंड सी का है आपके पास में 20 डेज। अब जब भी आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करते हो तो उस केस के अंदर इंपॉर्टेंट है दो पॉइंट, एक है टोटल वर्क, दूसरा है एफिशिएंसी। टोटल वर्क एंड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मींस वर्क डन पर डे, एक दिन के अंदर जितना काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है बेटा टोटल वर्क। अगर हम बात करते हैं टोटल वर्क की, तो टोटल वर्क आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एलसीएम ले लोगे, ठीक है, सिंपल एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेंगे 12, 15 एंड 60 का, कितना आ गया आपके पास में 60, 12, 15 एंड 20 का एलसीएम लिया हमने, कितना आ गया 60। दैट मींस व्हाट, कि टोटल वर्क कितना हमारे पास 16 यूनिट्स है। मैं 16 यूनिट्स क्यों बोल रही हूँ, कि काम कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 60 पेन प्रिपेयर करने हैं, या फिर मैं कह रही हूँ कि मुझे 16 चेयर्स बनानी है, या मैं कह रही हूँ कि मुझे 60 टेबल्स बनानी है, इस तरह से आपके पास में कोई भी यूनिट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में 60 यूनिट का वर्क है। ओके, अब देखो ए और बी दोनों मिलकर कितना करेंगे एक दिन के अंदर, तो वो उन दोनों की एफिशिएंसी आगे कैसे फाइंड आउट करोगे, 60 डिवाइडेड बाय 12 दैट मींस 5। इसी तरह से एसी की एफिशिएंसी होगी आपके पास 4, और इसकी एफिशिएंसी होगी आपके पास में 3। अब अगर हम सभी को ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आ गया, 2a 2b 2c, a प्लस बी प्लस सी, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी आपके पास में 12, क्लियर। अगर मैं कहूं कि सिर्फ ए बी सी की एफिशिएंसी देखनी है, तो बेटे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ए बी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो यहाँ पे भी हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 6, क्लियर। हाँ जी, अब क्वेश्चन है कि ए और बी और सी कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे। अब देखो जब हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करी तो कैसे किया, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई डेज, ठीक है। अब जब हम फाइंड आउट करेंगे डेज, तो डेज कैसे फाइंड आउट करोगे आप, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी प्लस सी के रिक्वायर्ड डेज कितने आ जाएंगे आपके पास में, यस दिल विल बी 60 डिवाइडेड बाय 6 दैट मींस की 10 डेज। ओके, सो आंसर विल बी 10 डेज। हाँ जी बताइए, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट हो इसके अंदर, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट, दो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले टोटल वर्क एंड द सेकंड वन इज एफिशिएंसी। एंड व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज वर्क डन पर डे, डन, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे, 2020 का ही है। सभी शिफ्ट के, जो जो शिफ्ट के क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल थे, तो उनके सभी शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने उठाए, तो 2020 की दूसरी किसी शिफ्ट का है क्वेश्चन अपने पास में। यस, क्या है, ए इज 40% मोर एफिशियंट देन बी।
अगेन एफिशिएंसी। अब यहाँ पे ध्यान रखो आप कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पीओ के अंदर एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में ज्यादा आए हुए हैं, दैट मींस कि एफिशिएंसी का जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर कर लेना है सभी ने। ओके क्या है, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी एंड बोथ टूगेदर कैन डू कंप्लीट द वर्क इन 9:3:8 डेज। दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को खत्म कर रहे हैं, 9:3:8 डेज के अंदर। इफ ए वर्क फॉर फर्स्ट 5 डेज अलोन एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई बी देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे एफिशियंसी के अंदर कंपेरिजन गिवन है परसेंटेज की फॉर्म में, दैट मीन्स वर्ट की ए और बी की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो ये क्या कह रहा है, ए 40% ज्यादा एफिशिएंट है। अगर ए है 100 तो ये कितना हो गया 140, दैट मींस कि अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो रेशियो कितने आ गया आपके पास, 7:5। ठीक है, अब एक और बात कि अगर टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो बेटा टोटल वर्क क्या होता है, यस जिसके डेज गिवन है उसी की एफिशिएंसी से साथ में अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, यस किसका टाइम गिवन है आपके पास, हाँ जी बोथ टूगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 9:3:8 डेज। अब बोथ की एफिशियंसी यहाँ पे देखो 7+5=12 और दोनों के डेज कितने 9:3:8, क्लियर। तो ये कितना आ गया आपके पास में, 9×8=72, 72 और 3=75, 75/8 आ गया बेटा, क्लियर। हाँ जी कितना आ गया आपके पास में 75/8, दैट मींस कि अपने पास में टोटल वर्क कितना आ गया, ओके टोटल वर्क आ गया आपके पास में। अब क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है आपको, यस क्या गिवन है, इफ ए वर्क फॉर फर्स्ट 5 डेज, ए ने कितने दिन काम किया, फर्स्ट 5 डेज, दैट मींस कि जो ए है वो 5 डेज के अंदर कितना काम कर रहा है, 5 डेज के अंदर उसने कितना काम निमेड़ दिया, 35 यूनिट्स, कितना काम उसने खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। अब रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क, हाँ जी टोटल वर्क अभी हमने फाइंड आउट किया कितना, 225/2, इसमें से 35 यूनिट्स वर्क हो चुका है, 35 यूनिट्स वर्क हो चुका है, दैट मींस कि कितना रह गया ये आपके पास में, यस ये हो गया आपके पास बेटा 225 - 70/2, दैट मींस व्हाट, दिस इज 5, 5 एंड 1, इतना है रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क आपके पास में इतना आ गया। अब कह रहा है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो किसने किया, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी, बी ने खत्म किया। अब बी, बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 5, दैट मींस कि बी को कितना टाइम लगेगा, बी को कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय बी, अगर मैं बी का टाइम देखूं तो बी को टाइम कितना लगेगा, टोटल जितना भी उसने काम करना है डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी, और बी की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास में, 5, दैट मींस कि इसको टाइम लगेगा बेटा 31/2, 31/2, दैट मींस कितना हो गया इसको, यस 15:1/2 डेज, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, हाँ जी क्वेश्चन क्या है कि बी को कितना टाइम लगेगा या टोटल टाइम कितना लगेगा, हाँ जी क्या है टोटल टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पे टोटल टाइम मतलब 5 डेज तो ये हो गए, ठीक है, और 15:1/2 डेज ये हो गए। तो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितना टाइम लगा उसको, हाँ जी 5 ऐड हो गया, 5+15 = 20:1/2 डेज, ओके सो आंसर विल बी 20:1/2 डेज। हाँ जी बताइए कोई डाउट हो इसके अंदर, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, बिल्कुल क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है सभी को, नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके पास में। हाँ जी देखिए क्या है, ए कैन डू वर्क इन 36 डेज वाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 48 डेज। इफ ए वर्क फॉर एक्स डेज एंड बी वर्क फॉर x+2 डेज देन 1/3 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके तो अब यहाँ पे देखो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था वैसे ही करेंगे, ए 36 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, एंड बी टेक्स 48 डेज,
सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ जी टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे, और टोटल वर्क यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा, यस टोटल वर्क आ जाएगा बेटा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास ये आ जाएगा आपके पास में 144, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे इतना ही आएगा, देखो चेक कर लो 144 विल बी द एलसीएम, यस बिल्कुल सही है। अब देखो यहां पे ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी हम चेक करते हैं, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, क्लियर, और बी की एफिशिएंसी बेटा कितनी आ गई हमारे पास में 3, क्लियर। अब दोनों की एफिशिएंसी, अब उसने कहा है कि दोनों अगर काम करते हैं, ए कर रहा है एक्स डेज, ए एक्स डेज में कितना वर्क करेगा, एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, तो एक्स डेज में कितने करेगा 4x यूनिट्स वर्क हो गया उसका, ठीक। बी कितने दिन काम कर रहा है, एक्स प्लस 2 डेज, एक दिन में कितना कर रहा है 3 यूनिट्स, दैट मींस कि एक्स प्लस 2 डेज के अंदर कितना करेगा 3 × x + 2 यूनिट्स, तो कह रहा है कि टोटल कितना काम हो रहा है, टोटल काम कितना हो रहा है सिर्फ 1/3, कितना हो रहा है 1/3, टोटल वर्क कितना था 144, इसका 1/3 हो रहा है सिर्फ, ओके ये गिवन है आपके पास, इसको सोल्व कर लेंगे बिल्कुल सिंपल। अब तो ये हो गया 3 × 12 = 24, ये हो गया बेटा आपके पास में 4x + 3x + 6 = 48, 7x = 42, दैट मीन्स x = 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6। हाँ जी देखिए सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट इसके अंदर, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इसने यहाँ पे कहा है कि एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर रहा है, एक्स डेज में कितना करेगा मल्टीप्लाई बाय एक्स, हाँ जी बी एक दिन में 3 यूनिट्स वर्क कंप्लीट कर रहा है, दैट मींस कि एक्स प्लस 2 डेज में कितनी करेगा 3 × x + 2, और टोटल कितना काम कंप्लीट हो रहा है 1/3, दैट मींस कि इसका हम 1/3 ले लेंगे, ओके नेक्स्ट देखिए। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या है, ए बी एंड सी टुगेदर वर्क फॉर 5:5/17 डेज टू कंप्लीट ए जॉब, ए इज 33:1/3% मोर एफिशिएंट देन सी, एंड सी एंड बी टुगेदर कैन डू द कंप्लीट द जॉब 8:8/9 डेज। अब कंपैरिजन गिवन है आपके पास में, ए बी सी का टोटल टाइम गिवन है, और क्या गिवन है आपके पास, सी और बी का टोटल टाइम गिवन है, ठीक है। दूसरा आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द जॉब, सी कितने टाइम के अंदर उसको खत्म करेगा, ओके। तो अब यहां पे देखो ए प्लस बी प्लस सी का टाइम कितना है आपके पास में 5:5/47, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, यस ये हो गया 7×5=35 और 5×20=23, 23 और ये हो गया आपके पास में बेटा 8, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, यस 240 आ गया, दैट मीन्स 240/47, ओके। तो यहां पे मैं इसको लिख रही हूं 240/47 डेज, डन। और क्या गिवन है, सी एंड बी टुगेदर इन 8:8/9, सी एंड बी कितने में कर रहे 8:8/9, अब देखिए 8:8/9 9×72 और 8 कितना आ गया 80/9, ओके। तो इसको हमने ले लिया कितना 80/9, ओके। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द टोटल वर्क, कैसे करेंगे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। और एक और बात ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास इस तरह से फ्रैक्शंस में वैल्यू आती है तो सिर्फ न्यूमरेटर का आप एलसीएम ले लो, हाँ जी क्या करोगे सिर्फ न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो आप, ओके। तो यहाँ पे जब हम टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे तो बेटा कितना आ गया 240 और 80 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 240 आएगा, एफिशिएंसी 240/240/47, 240 से 240 कैंसिल आउट हो गया कितना आ गया 47। इसी तरह से सी बी की अगर हम एफिशिएंसी देखें 240/80/9, 8 × 8=24, 9 × 3=27 कितना आ गया 27। देखो क्या किया मैंने 240/80/9, तो 9 ऊपर चला गया, 8 × 3=24 कितना आ गया आपके पास में 27, क्लियर। अब देखिए हाँ जी, अब यहां से आप ए की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हो, ए बी सी में से अगर मैं सी बी माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो यहां से बेटा ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी, दोनों को माइनस किया दैट मींस की 20, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 20। और साथ में इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए इज 33:1/3% मोर एफिशिएंट, ए इज
33:1/3% मोर एफिशिएंट, दैट मींस कि इसकी रेशियो कितनी आ गई ए और सी की. देन सी तो कितना आ गया बेटा, ये 3:4 आ जाएगी आपके पास में. 33:1/3% इज इक्वल टू 1/3. देखो 33:1/3% है तो कितना हो गया 1/3, 1 ज्यादा हो गया तो कितना आ जाएगा आपके पास में 4:3. इसमें किसी को कोई भी डाउट? क्लियर. दैट मींस कि अगर ए की वैल्यू किसकी है, कितनी है 20, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? यस, 4:20, 1:5, दैट मींस 3:15. ओके, तो यहां से हमारे पास में सी की एफिशिएंसी आ गई. सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास में 15. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय सी. सी को कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन बाय सी कितना आ गया आपके पास में? यस, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी. टोटल वर्क इज 240 एंड एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू 15. दैट मींस ये हो गया बेटा 15 × 15 = 90, 16 डेज. ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, 16 डेज. क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर किसी को? क्लियर है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज व्हाइल बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए. ए से कितना है 25% मोर एफिशिएंट है. बी वर्क्ड फॉर 6 डेज एंड लेफ्ट रिमेनिंग द वर्क. हां जी, अब ये 2018 के हम कर रहे हैं क्वेश्चंस, 2019 के. यस, देखिए ये अपना 18 का क्वेश्चन था बेटा, ये अपने पास में 19 का था, 20 का मैं कर चुकी हूं. अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम 18 के, ठीक है. इसके अलावा वन मोर थिंग इज दैट कि जो आपके पास में 2018 का पेपर था उसके अंदर डाटा सफिशियंसी पे बेस्ड भी क्वेश्चन आए हुए थे, वो मैं डिस्कस करूंगी डाटा सफिशियंसी के अंदर. ओके, हाँ जी, तो अभी ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करें. क्या ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज व्हाइल बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए. तो अब यहां पे अगेन कंपैरिजन गिवन है आपके पास में एफिशिएंसी का. तो देखो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो अगर मैं एफिशिएंसी देखूं ए और बी की, तो यहां पे बेटा एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है कि व्हाइल बी इज 25% मोर एफिशिएंट, 25% ज्यादा एफिशिएंट है, तो क्या आ जाएगी अपने पास में रेशियो 5:4 की आ जाएगी. क्लियर, देखो कैसे. हाँ जी, व्हाइल बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, ये हो गया. क्लियर है, बिल्कुल. अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या है. इफ बी वर्क फॉर 6 डेज, बी ने वर्क कितना की दिन किया है 6 डेज एंड लेफ्ट, उसके बाद में चला गया, ठीक है. देन द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 15 डेज. तो बाकी का जो काम है वो किसने किया है? सी ने किया है. कितने दिनों में? 15 डेज में. फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द वर्क. अब सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या फाइंड आउट करना होता है? टोटल वर्क और सभी की एफिशिएंसी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है. अब टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे? जिसकी हमारे पास में टाइम गिवन है ना, उसी की एफिशिएंसी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो. जिसका टाइम गिवन है उसी की एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास? टोटल वर्क आ जाएगा. और यहां पे किसका टाइम गिवन है हमारे पास? ए का. दैट मींस कि जो टोटल वर्क है वो हमारे पास कितना आ गया? ए के डेज है बेटा 20 और ए की एफिशिएंसी कितनी आपके पास? 4. दैट मींस कि 80 यूनिट्स. देन टोटल वर्क कितना आपके पास? 80 यूनिट्स है. अब उसने कहा कि बी ने 6 दिन तक काम किया, दैट मींस कि बी ने 6 डेज में कितना वर्क कर लिया? हां जी, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5. कितने दिन वर्क किया उसने? 6 डेज वर्क किया, दैट मींस कि 30 यूनिट्स उसने खत्म कर दिया काम. ओके, एंड लेफ्ट रिमेनिंग वर्क किसने किया? सी ने किया 15 डेज में. रिमेनिंग वर्क कितना रह गया पहले तो ये पता होना चाहिए. 80 - 30, दैट मींस कि 50 यूनिट्स रह गया. और ये किसने किया? सी ने किया है. सी ने कितने दिनों में किया है वो? 15 डेज में. दैट मींस कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास में? जितना उसने वर्क किया डिवाइडेड बाय 15, ठीक है. तो ये हो गया आपके पास में 10/3. तो सी की एफिशिएंसी यहां से हमें मिल गई कितनी? 10/3. ये पॉइंट क्लियर? हां जी, सी की एफिशिएंसी मिल गई आपको. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन कि सी कंप्लीट वर्क को कितने टाइम में करेगा? तो अब सी कंप्लीट वर्क को कितने टाइम में करेगा? तो सी का टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी. तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको?
टू कंप्लीट द वर्क। हां जी, कंप्लीट कितना वर्क है? कंप्लीट आपके पास बेटा 80 यूनिट्स और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 10/3, 3 ऊपर चला गया तो ये वैल्यू हो गया आपके पास में 24। कितने डेज लगे? 24 डेज। सो आंसर विल बी 24 डेज। आई होप सभी को क्लियर है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे क्वेश्चंस एक शिफ्ट में आते हैं ना, तो दूसरी शिफ्ट में उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आपका एग्जाम दूसरी शिफ्ट में या तीसरी शिफ्ट में आ रहा है, तो उस केस में फर्स्ट शिफ्ट को एनालाइज कर लिया करो, सो दैट कि हाँ जी थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि हाँ जी पहले में किस तरह के क्वेश्चन पूछे हो, तो उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए बेटा, क्लियर है? देखो अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन है 18 का क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या था आपके पास में 25% मोर एफिशिएंट है, और यहाँ पे सिंपल जो डिफरेंस आ रहा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे बी वर्क फॉर 6 डेज और रिमेनिंग वर्क सी ने किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा जो क्वेश्चन, अगेन एफिशिएंसी पे ही बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था 18 के अंदर। क्या आया हुआ है? ए अलोन कैन डू द वर्क इन 20 डेज, फर्स्ट लाइन इज सेम, ठीक है। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, सेकेंड इज अगेन सेम। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं, ए एंड बी स्टार्ट द वर्किंग। अब यहाँ पे पहले क्या था, सिर्फ बी का गिवन था, यहाँ पे क्या कर रहा है, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दोनों ने मिलके काम शुरू किया है। अब क्या है, एंड वर्क फॉर 4 डेज, 4 डेज के अंदर किया, एंड देन सी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 22 डेज। अब उसके बाद में सी ने रिमेनिंग वर्क को किया 22 डेज के अंदर, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द एंटायर जॉब। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो वीडियो को पॉज करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करने, हाँ जी खुद से करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखें, देखो क्या था आपके पास, पहले करते हैं बेटा एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो वही है सेम, ए और बी, बी इज 25% मोर एफिशियंट, दैट मीन्स की एफिशियंसी हमारे पास में कितनी आ गई है, 4:5 आ गया। देखो बिल्कुल सेम है। Then, next देखिए, अगर हम टोटल वर्क की बात करें बेटा, टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो टोटल वर्क किसका टाइम गिवन है, ए का टाइम गिवन है 20, ए की एफिशिएंसी 4, दैट मींस कि कितना आ गया, 20 × 4 80 यूनिट्स आ गया। अब वर्क किसने स्टार्ट किया, कह रहा है ए और बी दोनों ने मिलकर कर वर्क शुरू किया, ठीक है, एंड वर्क फॉर 4 डेज, दैट मींस कि ए और बी, ए एंड बी वर्क इन 4 डेज, 4 डेज के अंदर कितना वर्क कर लिया उन्होंने, ए ने किया 4 यूनिट, बी ने किया 5 यूनिट, दैट मीन्स की 9 यूनिट एक दिन में, 4 डेज के अंदर कितनी होगी, 36 यूनिट्स, ओके। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया आपके पास में, यस 80 - 36, दैट मीन्स की 44 यूनिट्स, और ये जो 44 यूनिट्स है ये किसने करी, अब सी ने, किसने किया, सी ने, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास में, सी ने जितना वर्क किया है और सी को जितने डेज लगे, सी को कितने डेज लगे यहां पे, 22 डेज लगे, दैट मींस की 2 आ गई, सी की एफिशिएंसी क्या आ गई आपके पास में, 2 आ गई बेटा, क्लियर। अब कह रहा है कि अगर सी कंप्लीट करता है उस वर्क को तो कितने दिनों में करेगा कंप्लीट वर्क को, तो सी को कितना टाइम लगेगा, सी को कितना टाइम लगेगा, हाँ जी सी को टाइम लगेगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय उसकी एफिशिएंसी, दैट मींस की 40 डेज। सो आंसर आ जाएगा आपके पास 40 डेज। बताइए कोई डाउट इसमें, किसी को, किसी भी स्टूडेंट को कोई माइनर डाउट आ रहा हो, क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2017 का, क्या है, हाँ जी क्वेश्चन देखते, क्या है, ए टेक्स 24 डेज इन कंप्लीटिंग ए वर्क अलोन, ए कितना टाइम ले रहा है, 24 डेज ले रहा है, टाइम टेकन बाय ए इन कंप्लीटिंग 1/3 ऑफ द वर्क इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी इन कंप्लीटिंग हाफ ऑफ द वर्क, बी उतने टाइम में कितना कर रहा है, हाफ वर्क कर रहा है, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल बी टेकन टू कंप्लीटिंग द वर्क इफ बोथ ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टूगेदर। अब सबसे पहला काम यह है कि हमें बी का फाइंड आउट करना है कि बी कितना टाइम ले रहा है वर्क को कंप्लीट करने में। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, ए कितना टाइम ले रहा है, ए का टाइम है आपके पास में यस 24 डेज। ध्यान से समझेंगे, वैसे तो ना ये जो मैं सभी लिख रही हूँ ना, ये आप ओरली करो, ठीक है ना, बट अभी समझाने के लिए आपको लिख देते हैं।
ठीक है। अब उसने कहा कि टाइम टेकन बाय ए इन कंप्लीटिंग वन थर्ड ऑफ द वर्क, दैट मीन्स कि जो टाइम है ए का वन थर्ड वर्क को करने में कितना लगेगा, कितने डेज लगे, वन थर्ड डेज ही लगेंगे ऑब्वियसली, भाई वन थर्ड वर्क है तो वन थर्ड डेज लगेंगे, दैट मीन्स कि कितने डेज लगे, एट डेज लगे, ठीक है। अब एट डेज उसने क्या कहा, इक्वल टू द टाइम टेकन बाय बी इन कंप्लीटिंग हाफ ऑफ द वर्क, दैट मीन्स कि बी हाफ वर्क को, हाफ वर्क कितने टाइम में कर रहा है, एट डेज में, दैट मीन्स कि कंप्लीट वर्क कितने में करेगा, यस 16 डेज में। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, अब तो कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास में क्या है, ए का टाइम पता है हमें 24 डेज, बी का हमें पता है कितना है 16, हाँ जी टोटल वर्क हो गया आपके पास में 48, 24 से 2, क्लियर, दैट मीन्स कि टोटल टाइम कितना लगेगा दोनों को, यस टोटल टाइम ए एंड बी को कितना लगेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशियंसी ऑफ बोथ, दोनों की एफिशियंसी कितनी बेटा 48/5 आ जाएगा आपके पास में, ओके okay? और ऑप्शन क्या है 48/5 ऑप्शन डी, क्लियर, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 2016, यस 2016 का क्वेश्चन है, क्या है यहां पे हमारे पास क्वेश्चन, एट मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज, एट मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज, दैट मींस कि टोटल वर्क हमारे पास में कितना हो गया, एट मैन मींस एट मैन ने जितना काम किया है उसको 16 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ गया 16, वोमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज, सेम वर्क है बेटा, दैट मींस कि टोटल वर्क विल बी सेम, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 16 वुमेन इन 24 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 4 मैन एंड 8 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क, कह रहा है कि आपके पास में अगर 4 मैन है और 8 वुमेन है तो कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन क्लियर है सभी को। तो अब देखो बेटा अपने पास में टोटल वर्क कितना है, तो यहां से हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, एफिशिएंसी अगर हम यहां पे देखें तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, ये बेटा हो गया 3, दैट मींस कि मैन बाय वुमेन अपने पास में कितना आ गया, यस मैन बाय वुमेन आपके पास में आ गया 3/1, मींस मैन की एफिशिएंसी है 3 तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास में 1, क्लियर। नाउ वी कैन फाइंड आउट द टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है, चाहे तो बेटा यहाँ पे पुट कर दो चाहे तो आप यहाँ पे पुट कर दो, दोनों में सेम आंसर आएगा, ओके okay? तो यहाँ पे कर रहे हैं हम 8 इंटू 1 मैन की एफिशिएंसी कितनी है 3 इंटू 16, ओके टोटल वर्क आ गया आपके पास में, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टोटल वर्क इज इक्वल टू दिस वन, ओके। अब हम बात करते हैं कि हाँ जी एफिशिएंसी किसकी, 4 मैन एंड 8 वुमेन, इन्होंने कितने दिनों में खत्म करना है, यही है क्वेश्चन, 1 मैन की एफिशिएंसी 3, 4 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो गई आपके पास में 12, 1 मैन 1 वुमेन, यस दिस इज वुमेन, यस 1 वुमेन की एफिशिएंसी है 1, तो 8 की कितनी हो गई आपके पास में 8, दैट मींस कितना हो गया 20, सो टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क इज एंड एफिशिएंसी इज 20, ओके तो ये वैल्यू आ गया आपकी 2 से 8, क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये हो गया आपके पास में 192 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 19.2 डेज, ओके सो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 19.2 डेज। हाँ जी बताइए कोई डाउट इसके अंदर, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट हो इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है। क्या किया हमने, पहले दोनों की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली, किसकी, मैन और वुमेन की रेशियो फाइंड आउट कर ली हमने एफिशिएंसी की, उसके बाद में टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जितना भी क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन था 4 मैन एंड 8 वुमेन, एफिशिएंसी हमने टोटल कैलकुलेट कर ली। नाउ डेज कैसे फाइंड आउट करते, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, सो टोटल वर्क वाज दिस एंड एफिशिएंसी वाज दिस, सो आंसर विल बी 19.2, क्लियर। हां जी बताइए किसी को कोई भी डाउट हो इसके अंदर, क्लियर है, यस हाँ जी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेते हो देन वेल एंड गुड, अगर कोई भी माइनर सी प्रॉब्लम आ रही है, एफिशिएंसी से रिलेटेड इश्यू है या आपको पास टोटल वर्क फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि हाँ जी टाइम एंड वर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस यू कैन टेक ओनली टाइम एंड वर्क,
ओके कहां से करेंगे? डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है. बेटा क्या वर्ड यूज किया है हमने अभी पीडीएफ में? माइक्रो कोर्सेज. ओके डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है. आप माइक्रो कोर्सेज पे जाओगे, माइक्रो कोर्सेज के अंदर सभी टॉपिक्स गिवन सब्जेक्ट वाइज लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स जो भी सिलेबस में सभी के सभी गिवन है. ओके जिसके अंदर आपको इश्यू आ रहा है सिर्फ आप उस टॉपिक को ले सकते हो. ठीक है, अगर आपको वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है वीडियो लेक्चर लीजिए, अगर आपको एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस के लिए वो लीजिए, स्टडी नोट्स की रिक्वायरमेंट है स्टडी नोट्स आप ले सकते हो. ओके हाँ जी क्लियर है सभी को. इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी चाहिए तो वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है और हर एक लेक्चर के साथ में टेस्ट और पीडीएफ दोनों अटैच है. तो आप सिर्फ वीडियो लेक्चर ले सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर लॉजिकल रीजनिंग. डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स अवेलेबल है, आप वहां से जा सकते हो. इसके अलावा बेटा टेस्ट सीरीज तो सभी को पता है कि मस्ट है. हाँ जी अपनी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज, क्योंकि वहां से हमें टाइम का भी पता चल जाता है कि हाँ जी इतने टाइम में मैं इतना सॉल्व कर पा रहा हूँ, मुझे स्पीड बढ़ानी है, मुझे एक्यूरेसी बढ़ानी है. मीन्स कि अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए टेस्ट सीरीज तो मस्ट है. तो अभी पीडीएफ की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है. जिन स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है वो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में बेटा उसका भी लिंक अवेलेबल है. ओके क्लियर. हाँ जी अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, कुछ समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है काफी ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है. और इसके अंदर मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस सभी के क्वेश्चंस डिस्कस करवाऊंगे. ओके आई विल टेक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन सभी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले. ओके सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. थैंक यू.